भाई और बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य है कि ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के लिए जिस संकल्प को लेकर नानाजी ने अपना जीवन जिया, उसको साकार करने वाली हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुरुआत आज चित्रकूट की पवित्र धरती से हो रही है। बुंदेलखंड को विकास के एक्सप्रेस वे पर ले जाने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा ही। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे यहां रोजगार के हजारों अवसर तैयार करेगा और यहां के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों उनके जैसी सुविधा से जोड़ेगा। थोड़ी देर पहले ही यहां देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। यानी किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अब किसान फसल भी बोएगा और कुशल व्यापारी की तरह मोल भाव करके अपनी उपज का सही दाम भी प्राप्त करेगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है, इस कार्यक्रम के बाद आप तुरंत जाने की जल्दी मत करना। यहां पर देश भर में जो सफल FPO है उनकी प्रदर्शनी लगी है, मैंने आज उस प्रदर्शनी को देखा। हमारे किसान कैसा अद्भुत काम कर सकते हैं, मेरा सीना चौड़ा हो गया देख करके। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप जरूर देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए कि उन्होंने अपने अपने राज्य में FPO के द्वारा कितनी बड़ी कमाल करके रखी हुई है। भाइयों बहनों, इस पूरे अभियान पर आने वाले 5 वर्षों में करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और जो किसानों की भलाई के लिए है। इन सभी विकास योजनाओं के लिए खास करके मेरे किसान भाइयों बहनों को, बुंदेलखंड के नागरिकों को, आप सभी को और विकास की इस दौड़ में बुंदेलखंड के शामिल होने पर पूरे देश को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।